अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, ANF की हम तैयारी कराने एंटी नॉर्कोटिक्स की फोर्स की कांस्टेबल की पोस्ट हो या फिर ASI की पोस्ट हो, इनका पेपर 80% सेम आने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि पोस्ट दोनों अलग है लेकिन पेपर काफ़ी हद तक क्या होगा, सेम होगा, जो कि ज़्यादती है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं लेकिन यहाँ हो रही हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है गिनना पड़ेगा बेटा। उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, कब पास हुई थी? 23 मार्च। आपने कहाँ अप्लाई किए? आप जिस लड़के हो, आप उस लड़के की तरह हो, शायद आपको याद हो गया कि लड़का जिसने FIA में टॉप किया था, वो एक लड़का दूर से आता था, बड़ा हेल्दी सा था, जिसने इतने बड़े रजिस्टर बना दिए थे, आपको यह याद होगा वीडियो में। हाँ, उसके भाई भी आर्मी जो उसे लेके आया था, हाँ उसने टॉप किया। वो लड़का ऐसा है, मैं आपको देखा, वो लड़का याद आया, वो मेरे पास आया, ग्रेजुएशन उसने की भी, कहता मैंने ना FIA में होना है। तो मैंने उसे कहा था कि यार कोई प्राइवेट जॉब कर लो, इधर उधर कहीं लग जाओ, कुछ हो जाएगा। कह रहा नहीं मैंने होना है। हाँ एल जी साहब, मैंने उसे ना नोट्स बनवाए, वो मेरे पास कुल एक महीने के बाद आया, कहता सर सुन लें। मैंने कहा किधर, इतने बड़े बड़े उसके रजिस्टर, उसने सारे नोट्स बना लिए जो मैंने उसे बोले थे, इतना ओल्ड पेपर, ये करो ये करो ये करो। उससे मैंने सुना ऐसा, उसने सारे सुना दिया, Top 3 में आया वो। हाँ सब इंस्पेक्टर, क्लैप करो बेटा उसके लिए। आपको देखे मुझे लड़का याद आ रहा है, वो हर सवाल का जवाब, मैं ट्रेनिंग इसे दे रहा हूँ, जवाब वो दे रहा होता था। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जवाब वो दे रहा है। जो हार्ड वर्कर बन गया ना, देखो मेरी बात सुनो, ना वाले साहब हमारे अमीर हैं, ना हमारा कोई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ना हमारे पास कोई रेफरेंस है, ना कुछ फारिश है, ना हम रिश्वत देने वाले हैं। पांचों चीज़ें कन्फर्म है ना, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है ना। तो भाई साहब फिर इतने मेहनत करो कि आप टॉप में आ जाओ, Top 10 में। Top 10 से नीचे वाले को रिश्वत की ज़रूरत है ना, हमें क्या रिश्वत की ज़रूरत है? तैयारी कराने वाला सर आपके सामने मौजूद है, ठीक है, आप सब बैठे हो, मैं जब से खड़ा हूँ, मैं तो नहीं बैठा ना। तो फिर ये दिमाग में सोचा करो सर, जब ये बंदा मेरे लिए खड़ा है, ठीक है, अपना सुकून छोड़ के मेरे लिए खड़ा है, तो बस थोड़ा सी एफर्ट करो, जो बताऊँ उसे करो, अपना नाम रोशन करो और मस्जिद तक पहुँचो। आप मैं लहदे में मिलूँगा और बताऊँगा कहाँ अप्लाई करो, आप हार्ड वर्क करो बेटा। ANF के सिलेबस में इंग्लिश 20% है, जनरल नॉलेज 20% है, इस्लामिक स्टडी 20% है। और आपको देख के मुझे याद आ गया, एक वो लड़का हमारा खानदान का कज़न था, रंग बहुत ज़्यादा उसका काला था, और कोई उस मैं नहीं उसके उससे सारे लोगों ने रिश्ता इनकार किया था, कोई घर वाला उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। बुराई नहीं कर रहा आपकी, उस लड़के ने CSS टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। अब वहाँ वहाँ से रिश्ते आ रहे हैं जहाँ से किसी ने सोचा नहीं होता, ठीक है। तो उसने अपनी जॉब से सब कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही बात है, जब आपके पास अच्छा स्केल होगा तो फिर वो लोग भी आपको राज़ी करेंगे जो आपसे नाराज़ हैं, लेकिन आप उन्हें राज़ी मत करना। लाइव में जब किसी को ब्लॉक्स में डाल दो तो दोबारा अनब्लॉक मत करना। लाइव में अगर कोई आपको धोखा दे के जाए और दोबारा सॉरी बोले, उन्होंने कहा माफ़ किया लेकिन दोबारा मेरे पास नहीं आना, क्योंकि उसने जब धोखा दिया था ना, वो उसकी आदत थी। वो क्या थी उसकी आदत? आदत कभी बदलती नहीं है। बिच्छू से दोस्ती करोगे डंग मारेगा, बिच्छू का मैं अगली बार ही नहीं मारूंगा, वो मारेगा। अगर ख़ानदान में किसी ने आपको नुकसान दिया है, आपके वालदेन को नुकसान दिया है, वालदेन को समझाओ कि अब्बू इनसे राज़ी रहें आप, लेकिन दूर भी रहें आप, वो दोबारा नुकसान देगा बंदा आपको, दोबारा यकीन मत करें उस पर। हुज़ूर सल्लम ने खुद नहीं फरमा दिया था कि मुआहदे यहूदियों से मत करो? यहूदियों से हम मुआहदे हमारे मना फरमाए हैं, हम यहूदी से मुआहदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नसों में वो नफरत है, वो नसों में हमें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, इस्लामिक स्टडीज 20% और पाक स्टडी भी 20% ही आपके आने वाली है। सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, आपके उर्दू में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। एब्रीवेशन आपकी आएंगी, NDS क्या होता है, GID जल्दी लिखो, NDS, NDS क्या होता है, GID क्या होता है, GIP क्या होता है, इन तीन में से एक एब्रीवेशन आ जानी आपकी। ज़रब अज़म कब स्टार्ट किया था आर्मी ने, पता होना चाहिए आपको। एशिया के सबसे बड़े पोइट का नाम क्या है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह। बस लास्ट एक मिनट करके क्लोज कर रहा हूँ आपके इस पॉइंट को, पूरे 11:25 पे हम क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। अभी तो देख लो बेटा,
इंग्लिश के आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश के आप लोगों ने और पेपर करना है 2013 का और 2014 का, लिख लो दो भाई। क्यों नहीं निकलते गूगल? निकलते हैं भाई, वेबसाइट सही बता दूंगा, लिख लेना। वेबसाइट वीडियो में नहीं बता सकता, वो फिर वेबसाइट की प्रमोशन होती है फिर, ठीक है? तो बता दूंगा, जाते पूछ लेना, ठीक है? आप लोगों से तो 9th का वर्ड पेपर नहीं निकलता होगा, निकल जाता है, निकला? यहाँ बच्चे फ्यूचर का पेपर निकाल लेते हैं। अच्छा इंग्लिश क्या 2000 कौन सा बताया? 2013 14 के वर्ड पेपर से वहाँ से इंग्लिश आपने करनी है। जनरल नॉलेज जोन सी है वो आपने कहीं से भी नहीं करनी, वो टेस्ट से एक दो दिन पहले बताऊंगा। इस्लामिक स्टडी जो है वो सारी कॉन्सेप्चुअल है, वो भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो उस टाइम ही होगा। रह गया पास स्टडी आपका, पास स्टडी आपने क्लास 10th की जो बुक है ना वहाँ से शिमला वफद करना है, इंतखाबात 1945 से 1946, कैदम के 14 नकात और कॉन्फ्रेंस जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 जो हुई थी वो सारी। ANF स्टैंड फॉर क्या होता है, ANF का बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। स्टेडियम पाकिस्तान में पहली बार कितने पैसे जमा कराए गए थे जब पाकिस्तान बना था। PPC स्टैंड फॉर क्या होता है, आपके क्वेश्चन आएंगे जो इसमें कंप्रीहेंशन होंगे उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर्स होंगे। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को पढ़ के आंसर फाइंड आउट करना है, इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे क्रॉस में नहीं करना। इस बार ही आ रहा है, कभी आया था कभी नहीं आता, ये डिपेंड करता है ना, ये चेंज करते हैं थोड़ा। ड्रग के मतलब क्वेश्चन आएगा, नॉर्कोटिक्स सेक्शन के मतलब क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, प्रेसिडेंट तुर्की का कौन है, अमेरिका का कौन है वो आएगा, तुर्की अमेरिका दो लिखने। उसके बाद सबसे बड़ी कंट्री कौन है दुनिया की, रशिया। UNO स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, 1940। लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ द प्रॉफिट, सबसे ज्यादा पैगंबर कौन सी जमीन पे उतरे, फलस्तीन। ठीक है बेटा, जो बताया उन्हें कर लेना, देन टेस्ट की जब डेट आ जाएगी तो आपको तैयारी करा जाएगी एज सून एज पॉसिबल। कब है? 13 तारीख को, तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, ठीक है? देखते हैं, चाहे सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।